एक चीज का ध्यान रखना सबसे पहले, जब वाश कीजिएगा ना तो इस पर लाइट आएगी। हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज आप देख रहे हैं कि कुछ मैं ब्लॉगिंग के सेटअप में आ गया हूँ। तो क्यों आ गया हूँ, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ बाइक का मतलब सारा चीज़ चेकअप करवाने, मतलब कि आप कह सकते हैं कि सारा चीज़ नहीं, मतलब आपको घर पे बाइक पे क्या क्या हमें केयर करना चाहिए, क्या क्या आप कर सकते हैं घर से खुद में। तो जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ इस बाइक का, अभी सबसे पहले अभी इसका दिखाऊंगा, हवा चेक करवाना है दोनों टायर का, क्योंकि कितना इसका हवा है, क्या क्या मतलब कम है ज़्यादा है, वो सब आपको नियमित रूप से चेक करवाते रहना चाहिए। तो अभी देखिए, सबसे पहले सुबह आप जैसे ही फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि बाइक को कम से कम एक या दो मिनट स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए इस तरीके से। हवा तने चेक कर दीजिएगा, गज 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 गज। आपको एक चीज का ध्यान रखना है सबसे पहले, जब भी आप हवा लीजिएगा तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। इससे यहाँ लिखा हुआ टायर प्रेशर, तो टायर प्रेशर यहाँ देख सकते हैं आप डिटेल से, आप तो इतना दिमाग वाले है ही। तो देखिए यहाँ मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, जैसे कि रियर टायर आपको जब भी आप सिंगल चलते हैं तो देखिए 28.5 हवा लेना है, ठीक ना। और अगर पिलियन आपके साथ में रेड प्लस पिलियन तो 32, और फ्रंट के लिए 25-25 है, ठीक। तो समझ गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसे हम वॉशिंग अभी करने जा रहे हैं, ठीक। वॉशिंग करेंगे, चैन ल्यूब करेंगे, सारा चीज़ करेंगे, कैसे वॉशिंग करना है, कैसे ल्यूब करना है, मैं सारा चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊँगा पूरे। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने के लिए मिलेगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी। देखिए यह प्योर सूती कपड़ा, तो ऐसे कपड़ा एकदम फ्रेश कपड़ा लीजिएगा। और ये सब आपको ये सब मेटल बॉडी हो गया, ये सब जहाँ जहाँ एकदम ये सब बॉडी हो गया, ये सब बॉडी हो गया, मेन बॉडी एकदम जहाँ पे चमक रहा है, लाइट मार रहा है, वो सब जगहों को वॉश करना है, ना कि आप नीचे से ऐसे ऐसे यहाँ से किचन लगा हुआ है आप साफ कीजिए, ऊपर लेके यहाँ पे घसर दीजिए, तो घसर दीजिएगा तो फिर आपका पूरा गाड़ी घसरा जाएगा, समझे ना। तो ये सब बातों को ख्याल रखिएगा। तो बस हम वॉश करते हैं, और सबसे पहले हम आपको एक ब्रश लाते हैं, वो उससे हम टायर साफ करेंगे। तो गाइस देखिए, आप ब्रश लीजिए, खराब ब्रश लीजिएगा, नहीं तो अच्छा तो मम्मी मारेगी, समझे ना। देखिए ले लीजिएगा ऐसे, और देखिए ये वाला टायर जो ये वाला पोर्शन है इसको आपको साफ करना है ऐसे ऐसे करके, जिससे आपका टायर एकदम चकाचक पूरा ब्लैक लगेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, रिम पे मत लगाइएगा नहीं तो स्क्रैच आ जाएगा। ये सब साइड में बीच में रगड़ना जरूरी, कि फिर तो बाइक जब चलेगी तो गंदा हो गई ही, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ऐसे ऐसे हम आपको फास्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं, अब कहीं भी सूखा जगह हो वहाँ पे पहले पानी से भिगा लीजिएगा, उसके बाद ही आप ब्रश रगड़िएगा, कपड़ा रगड़िएगा, तभी मजा आएगा।
तो ये हम बाद में करेंगे, बस आपको बता दे रहे हैं सर धो लेते हैं पहले मेन। पहले हम मेन चीज क्या करना है, पहले कादो को हटाना है, कादो मतलब मड। गाइस तो आपको कोशिश करना है कि आप घर का शैम्पू यूज़ ना करो, आप कोशिश आपको करना चाहिए कि जो स्पेशल वॉशिंग के लिए शैम्पू आते हैं उसका यूज़ करो। और बहुत लोग क्या करते हैं कि इसे डब्बे में, जैसे डब्बे में घोर लेते हैं, उसके बाद जैसे कि ये ले लिए कुछ वॉशिंग क्लॉथ लेकर फिर वॉश करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको हाथ से ऐसे कीजिए जिससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी और इससे ज़्यादा लाइट आती है, क्योंकि कपड़े से वॉश करने से ज़्यादा हाथ से, लेकिन हाथ से कोशिश कीजिएगा आपको नाखून हाथ में ना हो और नाखून टच ना कीजिएगा किसी भी पार्ट्स पे, ताकि स्क्रैचेस ना आ जाए। आराम से एकदम पूरे वॉशिंग करना है। देखिए अब सूखने लगे शैम्पू, तो इस पर थोड़ा सा मैं पानी ले लूँगा हाथों में अपनी ऐसे। ये देखिए मैं आपको सिर्फ टैंक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सारे पार्ट्स करने वाला हूँ शैम्पू से वॉश से, इससे आपकी गाड़ी की लाइफ लंबी होगी और चमक आएगी पूरी हैवी वाली। और कोशिश कीजिए कोई शैम्पू खरीद लीजिए जिससे गाड़ी वॉश किया जाता है, शैम्पू खरीद लीजिए, पॉलिश खरीद लीजिए। मेरे पास अभी कुछ नहीं है ना पॉलिश एंड शैम्पू, मैं घर में जो यूज़ करते हैं शैम्पू उसी शैम्पू से कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे शैम्पू आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरे पास आयुर्वेदिक वाली नहीं है, वो जो पूरी फैक्ट्री में बनती है ना, वो तो सारे फैक्ट्री में बनती है, लेकिन केमिकल युक्त शैम्पू है ना ये सब। अब छोड़िए ये सब ज्ञान क्यों दे रहा हूँ मैं शैम्पू के बारे में, लेकिन बस बता दिया। देखिए इसे आप हटा के यहाँ वॉश कर सकते हैं जिससे आपके, चलिए तो अब हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। फाइनली हम पूरी तरीके से वॉश कर लिए, मस्त हो चुके हैं, लेकिन अब क्या करना है। देखिए क्या होता है कि जैसे पानी का वाटर ड्रॉप जो होता है उससे दाग धब्बे इस पर बूंद बूंद आ जाती है, तो हमें एक लेना है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन घर का सूती कपड़ा है एकदम मस्त गंजी आपको लेना है, इससे आपको पोंछ लेना है इसे सुखा के। अगर इसमें पानी है तो देखिए क्या होगा, फिर से आपको वैसे चिन्ह मतलब दाग देखने को मिलेगा, तो इसे आराम से इसे निचोड़ लेना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी है इसे इसके मेटल बॉडी पे आराम से इसे सहला कर इसे पोंछ लेनी है जिससे दाग धब्बे मिट जाए। लेकिन हाँ, तो हमारे काम यहाँ पे कंप्लीट होती है, हम आपको वीडियो में उतनी लंबी क्या करके बताएं, तो आप कर लीजिएगा, आप इतना जानते भी है, लेकिन जस्ट अभी हम जैसे ही वॉश करेंगे, अभी पॉलिश हमारे पास नहीं तो हम पॉलिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जैसे ही तो नेक्स्ट वीडियो आने वाले, तो उसमें क्या है जैसे कि आप वॉश करते हैं तो फिर क्या होता है कि चैन मतलब सारे जगह से मतलब जो मोबिल लूप क्या रहता है वो धुल जाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो कैसे लूप करना है, चैन कैसे लूप करना है, कहाँ कहाँ ऑयल डालना है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा, लेकिन इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही कॉन्टेंट मस्त मस्त मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।